बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम CFAB 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की सारी मोडालिटीज डिस्कस करेंगे कि आईकैप ने इस सब्जेक्ट के कोर्स में क्या क्या कंटेंट रखा है, इस सब्जेक्ट के एग्जाम में आईकैप के एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कितने स्टडी आवर्स इस सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम इस सब्जेक्ट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली स्मूथली कवर करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट की बात करें तो इस सब्जेक्ट के कोर्स में चार मेजर एरियाज हैं। पहला सबसे मेजर एरिया कंसोलिडेशन से पर्टेन करता है, दूसरा मेजर एरिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पर्टेन करता है जिसमें हमारे पास IFRS 9 है, IFRS 13 है, IAS 36 का स्टैंडर्ड है। तीसरा मेजर एरिया अदर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का है जिसमें हमारे पास रेवेन्यू का स्टैंडर्ड IFRS 15 है, लीजिंग का स्टैंडर्ड IFRS 16 है, शेयर बेस्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉई बेनिफिट का IAS 19 का स्टैंडर्ड है, और कुछ दो चार स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट एरिया स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एथिक्स से पर्टेनिंग है जिसमें हमारे पास हमारी इकोनॉमी के कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पर्टेनिंग कुछ कोड ऑफ एथिक्स का एरिया आपके कोर्स का पार्ट बनाया गया है। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिलेबस है CFAB 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टुगेदर विद एग्जाम वेटेज। अब इसके स्टडी आवर्स पे आते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए तकरीबन हमें 150 से 160 घंटे कवर करने होंगे, तब हम इन एरियाज को अच्छा सा कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस वाइज कवर कर सकते हैं। यानी कि इन सारे एरियाज के अगर मैं कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करूं जिससे हमारी रीजनेबल प्रैक्टिस कवर हो जाए कि हम इन सारे एरियाज के कॉन्सेप्ट और उनके ऊपर हमारा हाथ साफ हो जाए, तो हमें तकरीबन 150 to 160 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि आपने FER 1 और FER 2 लेवल पे कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट हो गया, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट हो गया। ये सारे स्टैंडर्ड्स जो कि आपने FER 1 और FER 2 लेवल पे कवर किए हैं, ये भी आपके CFAB 1 के एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं। बेसिकली आपके एग्जामिनर की गाइडलाइन ये है कि वो सारा एरिया जो आपने FER 1 और FER 2 में कवर किया है वो भी CA फाइनल में दोबारा टेस्ट हो सकता है विद अ मैक्सिमम वेटेज ऑफ 10 मार्क्स पर टॉपिक ऑफ प्रीवियस सब्जेक्ट एंड 25 मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ द प्रीवियस सब्जेक्ट। तो आईकैप की गाइडलाइन के हिसाब से वो FER 1 और FER 2 के स्टैंडर्ड भी आपके CFAB 1 पे टेस्ट कर सकता है, और आईकैप की हिस्ट्री भी है कि आईकैप अपने CFAB 1 के एग्जाम में FER 1 FER 2 के अटेम्प्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कवर करता है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल के हवाले से, तो सब्जेक्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैं समझता हूँ कि मॉडरेट है। और स्पेसिफिकली अगर आप पिछले 8-10 अटेम्प्ट के FER FFR का ये एग्जामिनर का जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल देखे और आईकैप का पासिंग परसेंटेज देखे, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आई। तकरीबन हर अटेम्प्ट में 25-30% 35% के दरमियान रिजल्ट आसपास आ रहा होता है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है कि आईकैप का पेपर इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करता। इसका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट है, ना ये बहुत आसान पेपर है ना ये बहुत मुश्किल पेपर है। अगर आप एक रीजनेबल कवरेज कर लो तो आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो तकरीबन 150 to 160 आवर्स में जो FFR का कोर्स है उसे हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लेट्स से कि FER 1 और FER 2 के टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जो FER 1 और FER 2 में हमने टॉपिक्स कवर किए, स्टैंडर्ड्स कवर किए, उनका रिवीजन चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल है कि 25-30 घंटे में एडिशनल रिक्वायर्ड होंगे। और तीसरा, अगर हम अपने CFAB 1 के कम से कम 10 अटेम्प्ट के पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर्स को कवर करते हैं, तो कोई 30-35 घंटे आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो बेसिकली CFAB 1 का जो कोर्स है उसकी कवरेज के लिए हमें 150 to 160 आवर्स चाहिए, FER 1 और FER 2 के टॉपिक्स के रिवीजन के लिए तकरीबन हमें 25-30 घंटे चाहिए, और अगर मैं एटलीस्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर्स को प्रैक्टिस करता हूं तो उसके लिए मुझे 30-35 घंटे चाहिए। इन टोटलिटी ये कोई 210-220 घंटे रिक्वायर्ड है जो कि सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होंगे। अब जितने भी बैचेस मैंने FER की कंडक्ट करवाए, जितनी भी मैंने CA फाइनल की काउंसलिंग सेशंस वगैरह कंडक्ट किए, मैंने देखा है कि जनरली जब स्टूडेंट अपनी आर्टिकल्स के स्टार्ट में होता है तो वो जनरली प्लान करता है कि मैं 3 सब्जेक्ट्स दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि 4 सब्जेक्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है और हम पेपर के करीब पहुंचते हैं ना, तो मेजॉरिटी या मैं कहूँ कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 70-80% स्टूडेंट्स अल्टीमेटली या तो 2 पेपर दे रहे होते हैं या 1 पेपर दे रहे होते हैं। ऐसा इस वजह से कि वो डे 1 पे तो प्लान करते हैं कि हमने 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट देने हैं, लेकिन शुरू में अपने टाइम को सीरियसली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। शुरू में बाकी चीजों में लग गए, फॉर्म के कामों में लग गए। फॉर्म को भी आपने टाइम देना है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को डे 1 से प्रॉपरली मैनेज करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये नौबत नहीं आ रही होगी कि एग्जाम के आखिर में या एग्जाम से 2 महीने पहले आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे 1 सब्जेक्ट देना है या 2 सब्जेक्ट देना है। अब इसके लिए हम आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे होंगे, देखिए, अगर आप CFAB 1 का कोर्स IQ से एनरोल करवाते हैं तो आपके साथ एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल
शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको वीक वाइज एक टारगेट दिया जाएगा, वीक वाइज लेक्चर की कवरेज का टारगेट दिया जाएगा कि यार आपने हर हफ्ते बेयर मिनिमम इतने लेक्चर्स कवर करने हैं, तो जाके आपका ये सब्जेक्ट टाइमली कंप्लीट हो रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपकी FFR की अटेम्प्ट 6 महीने बाद, तो ऑब्वियसली आप 5-5.5 महीने का एक प्लान फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरी के 15-20 दिन आपको रिविजन की भी रखना है। और अगर आपकी FFR की अटेम्प्ट 1 साल के बाद है और आप सोच रहे हो कि भाई मैं 1 साल में सुकून से इसको पढ़ना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं तकरीबन आपको 8 महीने का कोई टाइम प्लान फॉलो करना चाहिए। तो आपके सामने पूरा वीक वाइज एक शेड्यूल आ रहा है कि अगर आप 6 महीने की तरफ जाते हो, यानी कि 6 महीने बाद मैं FFR की अटेम्प्ट दे रहा हूँ या 1 साल बाद FFR की अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो वीक वाइज मुझे बेयर मिनिमम कितने लेक्चर्स और कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने चाहिए, किस सीक्वेंस में कवर करने चाहिए। सीक्वेंस भी बड़ी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि CA फाइनल लेवल पे कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स IS-12 और IAC-8, दैट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर, ये 3 टॉपिक्स आपको शुरू में नहीं करने चाहिए। रीजन बीइंग के जब आप इन 3 टॉपिक्स के IKF के पास पेपर के सवाल देखोगे, तो इसमें बहुत सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट आ रही होगी। अब अगर आपने ये 3 टॉपिक शुरू में कवर कर ली और आप IKF के पास पेपर को प्रैक्टिस करते हो, तो वो सवाल में जान ही नहीं बचेगी, क्योंकि दूसरे स्टैंडर्ड्स आपने कवर नहीं किए होंगे। तो बाकी स्टैंडर्ड्स को तो आप मोर ऑर लेस किसी भी सीक्वेंस में फॉलो करो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से एक प्रीफर्ड सीक्वेंस आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक कवर करना चाहिए। लेकिन ये जो 3 टॉपिक्स है ना, कंसोलिडेशन, IS-12, डेफर्ड टैक्स इनकम टैक्स और IS-8, ये 3 एरियाज हमें तकरीबन कोर्स का 60-70% एरिया कवर करने के बाद कवर करने चाहिए। रीजन बीइंग कि इन तीन टॉपिक्स के सवालों में आपको दूसरे स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट भी नजर आ रही होगी। तो आपके साथ एक प्रॉपर वीकली प्लान शेयर किया जाएगा कि आपने हर हफ्ते कितने लेक्चर्स, कौन से चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में कवर करना है, ताकि किसी भी मंथ एंड पे या किसी भी वीकेंड पे आप अपनी परफॉर्मेंस भी असेस कर सको कि यार ये मेरा हफ्ते का टारगेट था, मैंने किस हद तक कवर कर लिया है, ये मेरा महीने का टारगेट था, मैं कहाँ पे खराब हुआ हूँ, क्या मेरी तैयारी सही चल रही है नहीं चल रही। इसके अलावा फिर हम इस तरह से इसको प्लान करेंगे कि हम हर हफ्ते आपका एक Q&A सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे, ताकि आप हर हफ्ते के अगर लेक्चर का टारगेट मीट करते हो, तो उस लेक्चर से पर्टेनिंग जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी, वो आपके दैनंदिन वीकेंड पे Q&A सेशन पे आंसर हो रही होगी। तो हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, हर वीकेंड पे कोई ना कोई 1 या 1.5 घंटा Q&A सेशन को अलॉट कर रहे होंगे। और अगर आप प्रॉपरली चीजों को प्लान करते हो और हफ्ते का टारगेट मीट करते हो, जो भी आपकी उस टॉपिक या उन लेक्चर से पर्टेनिंग क्यूरीज वगैरह, वो अपनी Q&A सेशन में दैनंदिन आंसर करवा सकते हो। थर्डली, अगर मोड ऑफ क्लासेस का जिक्र करें, तो बेसिकली यहाँ पे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे, और ये एक हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर्स आपके पास क्वालिटी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, प्लस वो लेक्चर्स प्रॉपरली चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पास्ट पेपर वाइज सेग्रीगेट हो रहे होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हर स्टैंडर्ड का एक सेपरेट चैप्टर है, हर स्टैंडर्ड में मल्टीपल लेक्चर्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट का लेक्चर अलग है बाय नेम और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेक्चर अलग है बाय नेम। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद उसका IKF के पास पेपर का क्वेश्चन। इससे आसानी होगी कि आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, आपको 1-1.5 घंटे के लेक्चर्स नहीं देख रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लेक्चर मिल रहे होंगे, तो ऑन एवरेज उसका ड्यूरेशन 15-20-25 मिनट का होगा। और जब एग्जाम के करीब आप अपना रिविजन करने लगोगे और आपको कोई स्पेसिफिक सवाल या कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट देखना है, तो आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स में उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इसे इजीली हेडिंग वाइज ट्रेस कर सकोगे। थर्डली, मैंने पोर्टल के ऊपर ये भी किया है कि लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स का भी सॉल्यूशन ईयर वाइज अरेंज करके रखा है, ताकि अगर मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे किसी स्पेसिफिक सवाल के सोल्यूशन को देखना है या सोल्यूशन को रेफर करना है, तो मैं इजिली उसको ट्रेस कर सकूंगा। थर्डली, आप लोगों के साथ एक प्रॉपर कंपेंडियम शेयर किया जाएगा, सॉफ्ट में भी शेयर किया जाएगा, और अगर कोई आप हार्ड बुक या हार्ड कॉपी परचेस करना चाहे तो वो भी आप IQ के कैंपस से परचेस कर सकते हैं, जिसमें सारा प्रैक्टिस मटेरियल, सारी प्रेजेंटेशन, सारे नोट्स, सारी समरीज, हर स्टैंडर्ड की समरीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप लोगों के लिए चीजें कन्वीनियंट हो, कैरी करना, उसको यूज करना काफी ज्यादा ईजी हो। अगर लेट्स से कोई आउटसाइड कराची का स्टूडेंट है या कोई ऑनलाइन क्या कहते हैं नोट्स वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो उसके साथ ऑनलाइन नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। तीसरी चीज कि सर, ये जो नोट्स और सॉल्यूशंस और जो क्लास की नोटिंग्स वगैरह है, क्या वो हमारे साथ शेयर की जाएगी? द आंसर इज यस। जैसे आप इस सब्जेक्ट में एनरोल करवाओगे, तो आपके साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा। इस गूगल ड्राइव में आपके पास हर चैप्टर का, हर स्टैंडर्ड का एक अलग फोल्डर बना हुआ होगा। हर स्टैंडर्ड के अंदर उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी होगा, उसकी क्लास नोटिंग्स भी होंगी, उसके सॉल्यूशंस भी होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। और इसी ड्राइव के ऊपर आपके पास ईयर वाइज IKF के नहीं, मेरे अपने बनाए हुए सॉल्यूशंस भी आप लोगों के साथ एक्सेल फॉर्म में शेयर हो रहे होंगे। तो
ये सारी मेहनत या ये सारी चीजों के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टूडेंट को एक वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जहां पे उसको लेक्चर्स भी मिल रहे हो, कॉन्सेप्ट्स भी मिल रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हो, आईकेप के पासवर्ड भी मिल रहे हो, चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल रही हो, पोर्टल भी ऑर्गेनाइज हो, गूगल ड्राइव में भी ऑर्गेनाइज हो, कि जब वो पढ़ने बैठे या रिवाइज करने बैठे तो चीजों को ढूंढने में उसका टाइम जाया ना हो रहा हो, उसे चीजें इजिली लोकेट की जा सके। और एक स्टडी प्लान तो होगा ही, ताकि हमने स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए 6 महीने में 8 महीने में अपने कोर्स को स्मूथली कवर करना है। अब एक सीक्वेंस आप लोग के साथ शेयर हुई है, जिसमें सबसे पहले आपने IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्टैंडर्ड देखना है, फिर लीजिस का स्टैंडर्ड है, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड है, एंड सो ऑन। तो IFRS 15 या लीजिंग का स्टैंडर्ड कुछ हद तक हमने अपने FAR 1 FAR 2 में पढ़ा है, लेकिन ऑब्वियसली CA फाइनल लेवल पे इसका एक एडवांस वर्जन होगा, एडवांस एरिया होगा, वो अपने कवर करना है। तो इस सीक्वेंस में आपने लेक्चर को कवर करना है, वीकली Q&A सेशन को अटेंड करना है, कोई सोल्यूशन, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई IKPA पासवर्ड का क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको सॉफ्ट में चाहिए तो वो आप लोगों के पास ड्राइव पे अवेलेबल होगा, और अगर लेक्चर से पर्टेन कोई क्यूरी है तो इंशाल्लाह आप वीकेंड पे Q&A सेशन में उसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई होप कि इस कंप्लीट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है CFAP 1 के सब्जेक्ट का, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इंशाल्लाह हम Q&A सेशन में एड्रेस कर रहे होंगे। थैंक यू।